यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और श्रम कानूनों को लेकर सीटू के बैनर तले मजदूरों ने आने वाले 18-19 जून को होटल के बाहर 36 घंटे का महाधरने का ऐलान किया है। बता दें कि शिमला में एक निजी होटल और रेस्टोरेंट में मजदूरों के शोषण को लेकर लंबे अरसे से करीब 150 मजदूर हड़ताल पर हैं। मजदूरों ने मालिक पर वित्तीय कुप्रबंधन के साथ न्यूनतम मजदूरी नहीं देने का आरोप लगाया है। मजदूर उपायुक्त और श्रम कार्यालय का घेराव करेंगे। सीटू ने होटल मालिक पर आरोप लगाया कि होटल में मजदूरों से 14 घंटे काम करवाने के बाद भी मजदूरों की EPF, छुट्टियां, ओवरटाइम, वेतन, मेडिकल सुविधा और वेतन बढ़ोतरी जैसी सुविधाएं नहीं दी जा रही है। देखिए, पिछले 70 दिन से सीटू के माध्यम से एक आंदोलन चल रहा है डायमंड रेस्टोरेंट VCS में। आंदोलन श्रम कानूनों को लागू करने को लेकर है। मजदूरों को 3 महीने से वेतन नहीं दिया गया है। इस समय में मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए जो मजदूरों की जो यूनियन है CIT, उसके माध्यम से 18 और 19 जून को 36 घंटे का महापड़ाव जो है हम डायमंड के बाहर करने वाले हैं। और यह भी कहना चाहते हैं, इस आंदोलन को अब हम जो है शहर की ओर भी मोड़ेंगे।